नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल बिसाइड्स दी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी के बारे में, जिसकी स्थापना आज़ादी के 10 साल के बाद हुई थी और आज यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस की स्थापना 1960 में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से हुई थी और रिलायंस कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति श्री धीरूभाई अंबानी थे। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो धीरूभाई अंबानी को नहीं पहचानता होगा। उनका जन्म गुजरात के चोरवाड़ में 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। धीरूभाई अंबानी 10वीं तक ही पढ़े हैं और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वह जूनागढ़ के बहादुर कांजी स्कूल में प्राप्त की थी। 1948 में धीरूभाई अंबानी अपने एक भाई के साथ वह यमन चले गए और वहां पर यमन की एक ऑयल कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 1958 में धीरूभाई अंबानी को भारत वापस लौटना पड़ा क्योंकि उसी वक्त यमन को आज़ादी मिली थी और जो नॉन यमनीज लोग थे वहाँ पर, उनके लिए यमन में रहना मुश्किल पड़ गया था और इसीलिए धीरूभाई अंबानी अपने परिवार के साथ भारत लौट आए। धीरूभाई अंबानी के तब के दोस्त उन्हें यह कहते थे कि धीरूभाई अंबानी वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और वह एक रिस्क टेकर भी है। भारत लौटकर धीरूभाई अंबानी को अपना कुछ व्यापार शुरू करना था, इसीलिए उन्होंने 1960 में पॉलिएस्टर का व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पहली ऑफिस वह मस्जिद बंदर जो साउथ बंबई में आती है वहां पर उन्होंने स्थापित की और वे ऑफिस सिर्फ 350 स्क्वायर फुट की थी। धीरूभाई अंबानी ने 1960 में यह पॉलिएस्टर का व्यापार चंपकलाल दामाणी नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर शुरू किया था और 1965 में धीरूभाई अंबानी ने चंपकलाल दामाणी के साथ अपनी यह भागीदारी तोड़ दी क्योंकि व्यापार करने के मामले में दोनों के विचार अलग थे। चंपकलाल दामाणी वह एक सावधानी पूर्वक व्यापार करते थे और धीरूभाई अंबानी वह रिस्क टेकर कहलाते थे और इसीलिए वह रिस्क लेने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं रखते थे और उसके चलते ही 1966 में धीरूभाई अंबानी ने विमल ब्रांड को लॉन्च कर दिया। विमल ब्रांड जो कि एक कपड़े बेचने की कंपनी बन गई, वह साड़ी, सूट और ड्रेसेस बेचने लगी और उसी साल धीरूभाई अंबानी ने अपनी पहली टेक्सटाइल मिल वह गुजरात के नरोड़ा क्षेत्र में खोली। 1966 के बाद से विमल ब्रांड के कपड़े भारत के लोगों को बहुत पसंद आए और भारत के लोग विमल ब्रांड के कपड़े भारी मात्रा में खरीदने लगे। इसकी वजह यह है कि धीरूभाई अंबानी विमल ब्रांड के कपड़े बहुत कम दाम में बेचते थे जो कि मार्केट से भी कम रेट था और यह उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी भी मानी जाती है। उसके बाद से धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल व्यापार में बढ़ोतरी की और विमल के कई रिटेल आउटलेट्स भी भारत में खोल दिए। 1980 तक रिलायंस वह टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन को सार्वजनिक कर दिया और तब से आम जनता भी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के शेयर्स ले सकती है और रिलायंस की भागीदार बन सकती है। 1985 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
कर दिया गया। उसके एक साल बाद ही धीरूभाई अंबानी की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी और इसी वजह से उनके दो पुत्र मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अब रिलायंस का दारोमदार संभालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भाग बन गए। धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी की अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी का जन्म यमन में हुआ था और वह 19 अप्रैल 1957 को हुआ था। उसके बाद वे भारत आ गए और मुकेश अंबानी ने अपनी बैचलर्स डिग्री वह केमिकल इंजीनियरिंग में मुंबई में ही पूर्ण की थी और एमबीए करने के लिए वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। पर जब उनके पिताजी की तबीयत नासाज हो गई तो उन्होंने एमबीए की डिग्री छोड़कर वापस भारत आने का निर्णय कर लिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को संभालने लगे। अगर हम उनके छोटे बेटे अनिल अंबानी की बात करें तो उनका जन्म 4 जून 1959 को बम्बई में हुआ था और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वह बम्बई में ही प्राप्त की थी। वे अपनी एमबीए डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए और उसको पूर्ण करने के बाद वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपने बड़े भाई के साथ संभालने लगे। मुकेश और अनिल अंबानी दोनों भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ा करने में लग गए। अनिल अंबानी वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्रंट एंड पे काम करते थे, यानी कि वह इन्वेस्टर्स को मिलते थे, एडवर्टाइजमेंट का काम देखते थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिलके उन्हें रिलायंस में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करते थे और मुकेश अंबानी वह कंपनी के बैकहेंड साइड पर काम करते थे, यानी कि वह कंपनी के लिए स्ट्रेटजीज बनाते थे, सही लोगों को रिक्रूट करते थे और रिलायंस के लिए लॉन्ग टर्म के प्लान्स बनाते थे। 1990 में रिलायंस ने पहली बार पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अपना कदम रखा और हजीरा में अपना सबसे पहला पेट्रोकेमिकल प्लांट उन्होंने ओपन किया। उसके बाद से 1998 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर ऑयल रिफाइनरी की भी स्थापना की, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अब तक की है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी वहीं तक नहीं रुके और उन्होंने 1995 में अपना कदम टेलीकॉम क्षेत्र में भी रख दिया और रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। 2002 में श्री धीरूभाई अंबानी का देहांत हो गया और तब उनकी नेटवर्थ थी $2.9 बिलियन। उस समय फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में धीरूभाई अंबानी का 138वां नंबर था, यानी कि धीरूभाई अंबानी 2002 में दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पर आ गई। अभी तक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कोई भी मतभेद नहीं था और जब उनके पिताजी का देहांत हो गया उसके बाद से 2004 तक उनके बीच रिलायंस के ओनरशिप को लेकर कई मतभेद रहे और वो पब्लिक में भी आए। इसी मतभेद को लेकर उनकी माता श्रीमती कोकिलाबेन को इस समस्या का समाधान करने आना पड़ा और श्रीमती कोकिलाबेन ने उसके बाद से रिलायंस का बंटवारा कर एक भाग अनिल अंबानी को दिया और दूसरा मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को इस बंटवारे में रिलायंस टेक्सटाइल्स, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स की कंपनियां मिली और इस बंटवारे में अनिल अंबानी को ज़्यादा मिला, यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस, रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अनिल अंबानी छोटे भाई थे इसीलिए उन्हें बंटवारे के समय मुकेश अंबानी से रिलायंस की ज़्यादा कंपनियां मिली।
जैसे रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को बड़ा बनाने में मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा हाथ था, परंतु बंटवारे के समय रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वह अनिल अंबानी के हिस्से में गई। बंटवारे के बाद से अनिल अंबानी की कंपनियां घाटे में चलती गई और इसी वजह से अनिल अंबानी ने अपनी कुछ कंपनियां बेच दी। 2004 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ थी $42 बिलियन और वह 2020 में घटकर $1 बिलियन से भी कम हो गई है। और फरवरी 2020 में उन्होंने इंग्लैंड की न्यायपालिका में अपनी नेटवर्थ जीरो बताई थी। अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो 2004 के बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अनिल अंबानी की नेटवर्थ से सिर्फ $1 बिलियन ज़्यादा थी, यानी $43 बिलियन, और वह आज बढ़कर हो गई है $81 बिलियन। तो 2004 के बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी की बढ़ोतरी होती गई और अनिल अंबानी का घाटा होता गया। कई लोग कहते हैं कि ऐसा इस वजह से हुआ कि अनिल अंबानी वह दिखावा करने में रह गए और मुकेश अंबानी अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना है उस विचार में आगे बढ़ते गए। अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी पर एक कोर्ट केस भी किया था जो 2010 में हुआ था, जिसमें अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई पर यह आरोप लगाया था कि मुकेश अंबानी उन्हें कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो गैस निकलता है वह ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं। परंतु इस केस में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी के फेवर में अपना निर्णय सुनाया और गैस के दाम जो मुकेश अंबानी तय करके अनिल अंबानी को बेचते थे वही रहेंगे। अनिल अंबानी के ऐसे व्यवहार से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के रिश्ते खट्टे होते गए, पर अब ये माना जाता है कि दोनों भाइयों के बीच रिश्ते बराबर हो गए हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी जो अनिल अंबानी को बंटवारे के बाद मिली थी, उसका जब दिवाला निकल गया तब मुकेश अंबानी ने यह कंपनी अनिल अंबानी से खरीद ली और मुकेश अंबानी के कम्युनिकेशन को लेकर अलग ही प्लान्स थे, क्योंकि 1995 में जब रिलायंस ने टेलीकॉम क्षेत्र में अपना कदम रखा तब से मुकेश अंबानी ने ही रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी को आगे बढ़ाया था। और इसीलिए रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी को खरीदने के बाद 2016 में उन्होंने जियो लॉन्च कर दिया। जियो के लॉन्च होने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। हम सभी को यह पता है कि जियो के आने के बाद से ही भारत में ज़्यादातर लोग नेट सर्फिंग और यूट्यूब देखने लगे और यही वजह है कि टी सीरीज़ वह यूट्यूब का नंबर 1 चैनल बन गया जिसके सब्सक्राइबर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें कि रिलायंस कंपनी कितनी बड़ी है, तो आज के समय में रिलायंस किन किन क्षेत्रों में अपना व्यापार कर रही है। रिलायंस के कोर बिजनेसेस में पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग है, जिसमें से रिलायंस को सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो रिलायंस का पुराना टेक्सटाइल का व्यापार तो चल ही रहा है। उसके अलावा रिलायंस रिटेल में है, जहां पर रिलायंस की सुपरमार्केट्स है। फिर रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, टेलीविज़न के क्षेत्र में है, जहां पर उनकी कई टेलीविज़न चैनलें हैं। और वह बैंकिंग और सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में भी आज के समय में काम कर रहा है। इसके अलावा रिलायंस की अपनी एक क्रिकेट टीम भी है जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL में मुंबई इंडियंस के नाम से जानी जाती है।
और रिलायंस ने अपने पैसे इंडियन सुपर लीग, जो कि एक फुटबॉल की सुपर लीग है, उसमें भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर हम फॉर्ब्स लिस्ट की बात करें तो रिलायंस कंपनी 2019 के फॉर्ब्स लिस्ट में 106 नंबर पर थी। और भारत में अगर हम रिलायंस के रेवेन्यू की बात करें तो रिलायंस कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से भारत में सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। उनका रेवेन्यू कुछ 7 लाख करोड़ का है। इसी से हमें पता चल गया होगा कि रिलायंस कंपनी कितनी बड़ी है। और अगर नहीं तो अगर आंकड़े की बात करें तो रेवेन्यू के हिसाब से रिलायंस कंपनी भारत के जीडीपी की 2.8% है। और अगर हम भारत के कुल निर्यात की बात करें तो उसमें रिलायंस कंपनी 8.2% का सहयोग भारत सरकार को करती है। और इससे तो हमें पता चल ही गया होगा कि रिलायंस कंपनी आखिर में कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। हाल ही में मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन है, वह दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं और उनकी नेटवर्थ वह 81 बिलियन डॉलर की है। हाल ही में जब रिलायंस की इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग हुई, तब मुकेश अंबानी ने यह घोषणा की कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 5G के क्षेत्र में भी कदम रखने वाली है और भारत के लिए वह 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा वह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।